और उधर महादेव गेमिंग ऐप के प्रमोटर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ऐप के प्रमोटर एक बहुत छोटे से शहर से सट्टेबाजी के कारोबार तक का ये पूरा सफर तय कर चुके हैं। वो इस केस में वांटेड भी अब बन चुके हैं। देखिए, महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड हैं। दोनों ही प्रमोटर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए नए नए लोगों को जोड़ने का भी आरोप है। अकेले काम नहीं करते हैं, बहुत से लोगों को इसमें वो जोड़ते भी चले गए। पिछले साल 18 सितंबर को दुबई के 7 स्टार होटल में बाकायदा आलीशान पार्टी दी गई और इसी पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल होने पहुंचे थे, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम दी गई थी। कहा यही जा रहा है ये मोटी रकम सब कैश में दी गई थी। इसी साल फरवरी महीने में सौरभ चंद्राकर ने दुबई में शादी की थी, जिसका वीडियो भी इस वक्त बड़ा वायरल है, आपको हम दिखा भी रहे हैं। और देखिए, इसी शादी में शामिल होने के लिए सौरभ चंद्राकर ने अपने परिजनों को नागपुर से दुबई बुलाया था। बॉलीवुड के कई सितारे, बड़े सितारे, नामी सितारे भी इसी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई से दुबई पहुंचे थे। सौरभ चंद्राकर की शादी में 14 से 15 कलाकारों ने बाकायदा परफॉर्मेंस दी थी। इस शादी में सौरभ चंद्राकर के ऊपर 200 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लग रहा है।